एक उकाब की उम्र तकरीबन 70 साल होती है और इस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे निहायत तकलीफों, मुश्किलात और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। जब उसकी उम्र 40 साल होती है तो सबसे पहले उसके पंजे, जिसकी मदद से वो शिकार को दबोचता है, कुंद हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मजबूत चोंच टेढ़ी हो जाती है और उम्र के गुजरने के साथ साथ उसके पर, जिससे वो आसमान की बुलंदियों को छूता है, वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं। इन सब मुश्किलात के होते हुए शाहीन के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि वो अपनी मौत को तस्लीम कर ले, हिम्मत हार जाए, अपनी हार मान ले और मर जाए। दूसरा रास्ता 150 दिन की मेहनत, यानी 5 महीने की मेहनत के लिए तैयार हो जाए। आपका क्या ख्याल है, शाहीन कौन सा रास्ता चूज करेगा? जी बिल्कुल, शाहीन हार नहीं मानता। वो अपने आप को 5 महीने 150 दिन की मेहनत के लिए तैयार करता है। वो पहाड़ों में चला जाता है और पहाड़ों में जाके सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों पे मारता है और अपनी चोंच को पत्थरों पे मार मार के उसे तोड़ देता है। जब नई चोंच निकलती है तो नई चोंच की मदद से वो अपना एक एक नाखून उखाड़ के फेंक देता है। जब नए नाखून निकलते हैं तो वो नाखून और चोंच की मदद से अपना एक एक बाल उखाड़ के फेंक देता है। इस तवील अरसे में उसे 5 महीने लगते हैं। जब 5 महीने बाद वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होके नई परवाज भरता है, हवाओं में उड़ता है, नई चोंच, नए बालों के साथ और नए परों के साथ, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने दूसरा जन्म लिया हो, नया जन्म लिया हो। इस तरह वो मजीद जिंदगी की 30 बहारें देख पाता है। उकाब की इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बाज़ उकात हमारे लिए जिंदगी को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगरचे इसके लिए हमें सख्त मेहनत, जदोजहद क्यों ना करना पड़े। याद रखिएगा, जिंदगी के माहो साल बदलने से कुछ भी नहीं होता। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, दुनिया नहीं बदलती। मुझ नाचीज समेत हर पाकिस्तानी नौजवान तब्दीली को बाहर की दुनिया में देखना चाहता है, हालांकि असल तब्दीली अंदर की तब्दीली है। सबसे पहले तब्दीली अंदर आती है, फिर बाहर की दुनिया में तब्दीली नजर आएगी। मस्बत तब्दीली के लिए अपने आप को बदलना होगा। अब सवाल यह पैदा होता है, खुद को कैसे बदला जाए? खुद को बदलने के फलसफे का मतलब ही यही है, अपनी कमियों, अपनी कोताहियों, अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई किया जाए, तलाश किया जाए, फिर उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। खुद को बेहतर बनाने के फलसफे का मतलब ही यही है, सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग की जाए, अपनी जात के ऊपर काम किया जाए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अल्लाह पाक ने जो आपको सलाहियतों से नवाजा है, जिस टैलेंट से नवाजा है, उसको पॉलिश जरूर करना चाहिए।